गाइस वेलकम बैक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स प्लेलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन 2D। वैसे तो 2D के अंदर ही आइडियल होगा, क्योंकि 3D के अंदर ही एक्चुअली अपन किसी शेप को चेंज कर सकते हैं। अब 2D में तो आपको पता है एक 2D प्लेन है, उसकी शेप कैसे चेंज करोगे विदाउट हैविंग द थर्ड वन डायमेंशन, ठीक है। बट ये एक आइडियल इमेज है, ऐसा हो सकता है। तो अब मैं आपको बारी बारी सब कुछ समझाऊंगा। तो देखिए गाइस, एक्स एक्सिस के केस में क्या होता है, एक्स एक्सिस के केस में आपको एक्स न्यू को चेंज करना है, वाई न्यू को चेंज नहीं करना है, वो का वही एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना। आपको एक्स ओल्ड में किसको ऐड करना है, जो आपका शेयरिंग का वैल्यू आया गिवन होगा एग्जाम में, उसको आपको वाई ओल्ड से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको इसकी मैट्रिक्स देखनी है तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से गिवन होगी आपकी, 1x x 0 1, ठीक है। वाई एक्सिस में वही है, वाई न्यू को चेंज करना है, एक्स न्यू को नहीं करना है। तो वाई न्यू को चेंज करोगे तो वाई ओल्ड प्लस एस एच वाई मल्टीप्लाई ये एक्स ओल्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो वाई वाला, ठीक है। तो आपकी ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से गिवन है, ये देख लो। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनल आपकी इमेज सपोज कीजिए ये है, एक्स एक्सिस में चेंज करोगे तो एक्स में चेंज हुआ, तो कुछ इस तरह से आपकी शेयरिंग से आपकी शेप का चेंज आ गया है 2D में। ऐसे ही वाई एक्सिस में कुछ इस तरह से, और दोनों ही यूज करते हो, यानी कि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन को यूज कर लेते हो आप, तो आपका कुछ इस तरह से इमेज देखने को मिलता है। और इसकी जो मैट्रिक्स बनती है वो होती है 1SHX SHY 1, ये याद रखना। कई बार रेयरली पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, मोस्ट ऑफ लोग नहीं लिखवाते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, ऑन 2 on x axis और 2 on y axis, तो SHX की वैल्यू 2 है और SHY की वैल्यू भी 2 है। अब ये 3 पॉइंट आपको गिवन है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस, लिटरली आपको बस एक पॉइंट एक एक पॉइंट को लेके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलो देखते हैं। तो देखिए ये दोनों अलग अलग है, तो दो अलग अलग डायग्राम बनेंगे पहली बात। तो दूसरी बात ये कि पहले मैं एक्स एक्सिस पे निकालना चाहूँगा जिसमें SHX की वैल्यू है 2, ठीक है। इसमें मैं बात करूँगा A11 के ऊपर, तो मेरे को मालूम है एक्स एक्सिस में क्या करते हैं, एक्स न्यू को निकालते हैं, वाई न्यू एज इट इज रहता है। तो एक्स ओल्ड की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या है, 1 प्लस SX2 मल्टीप्लाई किससे करना है, वाई ओल्ड से, वाई ओल्ड क्या है 1, तो वैल्यू क्या निकल गई, नहीं 3, ठीक है। और मेरा वाई न्यू क्या था, वाई ओल्ड, तो क्या है 1, तो वैल्यू क्या निकली 3,1। इसी प्रकार बी की वैल्यू निकालेंगे अपन, एक सेकेंड, ओके। सो बी की वैल्यू है अपनी 0,0। अब तुम्हें पता है यार, तुम्हें पता है 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 ही रहता है, और वाई न्यू की भी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे तो ये पॉइंट क्या बन गया, 0 0। थर्ड वन क्या है, 1,0 सर, तो एक्स न्यू की ही वैल्यू चेंज करनी है, वाई न्यू तो अपना वही रहता है। तो एक्स न्यू की वैल्यू है कि वाई ओल्ड प्लस एस एक्स एक्स 0 है, ये नहीं नहीं सॉरी 2 है, एंड वाई की वैल्यू 0 है, तो ये भी 1 रहेगा, वो का वही रहेगा, और वाई न्यू की वैल्यू भी अपनी वाई ओल्ड, तो 0, तो ये हो गया 1,0। अब आपको क्या करना है, ये वाला आपको ग्राफ में बनाना है डायग्राम ओरिजिनल लिख के, और एक्स एक्सिस का बनाना है इसके अकॉर्डिंग। पहले अपन वाई एक्सिस कर लेते हैं, उसके बाद डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको, ओके। तो देखिए वाई एक्सिस के केस में क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है वाई की, 2, पहली बात। A=1,1 पे आपको देखना है दोबारा से। अब इसके अंदर क्या होता है, वाई न्यू चेंज होता है, तो वाई न्यू की वैल्यू क्या होती है, वाई ओल्ड प्लस ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एक्स ओल्ड 1, तो वैल्यू क्या निकली 3, एक्स न्यू की वैल्यू कितनी है 1, क्या आपने मिला वैल्यू 1,3। बी के केस में क्या है, 0,0, पता है क्या होगा, 0 ही आंसर आएगा इसका भी, और इसका भी 0 ही आएगा। 0 से मल्टीप्लाई किसको कर दो, 0 ही देने वाला है, तो यहाँ पे वैल्यू 0,0 ही रहेगी। थर्ड वन पॉइंट क्या है, क्या वैल्यू उसकी, 1,0 है सर, किसकी है, सी की। वाई न्यू कैसे निकलता है, वाई ओल्ड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स ओल्ड जो है 1, तो इसकी वैल्यू निकली 2, और एक्स न्यू की वैल्यू रह गई आपकी 1, तो क्या वैल्यू आई, 1,2। अब अपने पास एक्स एक्सिस के भी पॉइंट है, इसके भी पॉइंट है, ओरिजिनल के भी पॉइंट है, इसके थ्रू जैसे आपको अब डायग्राम शो करना है। सो आई लिटिल बिल ट्राई टू मैक, देखो यहाँ पर क्या है, ये ओरिजिनल वाला आ गया आपका, एक्स एक्सिस पे आ गया, ये वाई एक्सिस पे आ गया। आप खुद बना के देखोगे, आपको यार अंतर समझ में आएगा कि वाक्य में शेयरिंग देखने को मिल रही है 2D में, बट ये एक्चुअली में आइडियल टेक्निक ही कह ली जाएगी, क्योंकि 2D के अंदर आप जानते हो शेयरिंग पॉसिबल कैसे होगी, बट इन्होंने बनाया है किसी जैसे बनाया होगा,
तो आई होप आपको समझ में आया एग्जाम में कैसे करके क्वेश्चन आने हैं। और एक और बात बता दूँ, जैसे कि मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है मल्टीप्लाई करके, आप हो सके ना तो मैट्रिक्स के थ्रू करना अगर आपके पास एग्जाम में टाइम मिले तो, और भी अच्छा मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को चेक करने में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।